प्रशांत किशोर का पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर बड़ा राजनीतिक हमला किया गया है। जी हाँ, बता दें कि ये तमाम बातें उन्होंने गया के बेलागंज में कही है। दरअसल उन्होंने कहा कि लालू जी एक बाहुबली के बेटे के लिए प्रचार करने बेलागंज गए थे और वो मुस्लिम समुदाय के रहनुमा होने का दावा करते हैं, लेकिन बेलागंज में एक साधारण मुस्लिम परिवार से आने वाले मोहम्मद अजमत की जीत उन्हें स्वीकार नहीं है। वही राजद और उनके नेता MY समीकरण की बात करते हैं, लेकिन लालू जी और उनके परिवार ने बेलागंज से मुस्लिम उम्मीदवार को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जब उपचुनाव के चारों विधानसभा सीटों पर मुस्लिम और यादव समाज ने तेजस्वी यादव को नकार दिया, तो आज लालू जी को उपचुनाव में प्रचार करने आना पड़ रहा है, जबकि इससे पहले उन्होंने लोकसभा में अपनी बेटी के लिए प्रचार किया था और भी कई मुद्दों पर उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर पलटवार किया, जुबानी हमला बोला है। क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। प्रचार तो चल ही रहा है, आज अंतिम दिन है। इन बाई इलेक्शंस में दो तीन बातें बिल्कुल स्पष्ट दिख रही हैं। एक तो यहाँ जो दोनों दलों का राजनीतिक जागीदारी थी कि लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी, इस बात को बिहार की जनता ने तोड़ने का मन पूरी तरीके से बना लिया है। दूसरी बात, खास करके RJD और मुसलमानों को लेकर जो 30-35 साल से ये चलता रहा है कि मुसलमान जो है वो RJD की राजनीतिक जागीर है, पहली बार 30 साल में इन चारों विधानसभा में, सिर्फ बेलागंज में नहीं, चारों विधानसभा में मुसलमानों ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी की राजनीतिक जागीर नहीं है और वो लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी एक और बात है, आज यहाँ पर देखिए लालू जी आ रहे हैं तो ये क्या दिखाता है भाई? 3 दिन से तेजस्वी यादव यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी ताकत से तो कुछ हुआ नहीं। पहले RJD ने तो स्वीकार कर लिया कि तेजस्वी यादव के कहने से तो कोई मुसलमान यादव वोट देने को तैयार नहीं है, उनके समाज के लोग भी वोट देने को नहीं तैयार है। और दूसरा, इसने लालू जी के चरित्र को बिल्कुल उजागर किया है कि जिन मुसलमानों के रहनुमा होने का आप दावा करते रहे 35 साल, एक बेलागंज में मुसलमान परिवार के एक सामान्य परिवार का लड़का चुनाव लड़ रहा है, उसको हराने के लिए RJD के नेता लालू जी उनके लड़के पूरी ताकत झोंके हुए हैं कि किसी भी तरीके से एक सामान्य परिवार का मुसलमान परिवार का लड़का नहीं जीतना चाहिए। और किसकी मदद कर रहे हैं? एक बाहुबली के लड़के की मदद कर रहे हैं। तो आप MY समीकरण की बात करते हैं, आप जिन मुसलमानों के वोट से इतने दिनों तक राज करते रहे हैं, उसी समाज का एक लड़का 7 महीने के लिए अगर उसको चुनाव जीतने का अवसर है तो उसको हराने के लिए, ये साधारण बात नहीं है। लालू जी लोकसभा के चुनाव में अपने बेटी के प्रचार में गए थे, उसके बाद वो बाहर नहीं निकले हैं और यहाँ पर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि कोई अमजद चुनाव न जीत जाए, कोई मुसलमान कहीं उसको वोट न दे दे, भले उसका एक बाहुबली का लड़का जीत जाए। और ये इनकी सच्चाई है, इनके चरित्र को उजागर करता है। तो परिणाम जो आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन बिहार की जनता और विशेष करके जो यहाँ के मुसलमान साथी हैं, उन्होंने इनका चरित्र देख लिया है कि MY की ये बात करते हैं, इनको न किसी M से मतलब है, न Y से मतलब है, इनको खुद से मतलब है, अपने परिवार से मतलब है और अपने साथ जुड़े हुए जो बाहुबली हैं, ठेकेदार हैं, उनसे मतलब है। इनको यादव समाज के सामान्य लोगों से भी कोई लेना देना नहीं है। लालू जी भाई, यहाँ पर दूसरे जो प्रत्याशी NDA से लड़ रही हैं, वो भी तो यादव समाज की हैं, लेकिन लालू जी को है भैया कुछ भी हो जाए मेरा परिवार ही जीतेगा, या मेरे से जो जुड़ा हुआ ठेकेदार है, बाहुबली है, वो जीतेगा। अमजद भाई कोई बहुत बड़े परिवार के लड़के नहीं है, एक सामान्य परिवार के लड़के हैं। यहाँ इन लोगों ने RJD को, यहाँ के मुसलमानों ने 35 बरस से वोट दिया है और एक बार उस समाज का कोई खड़ा है तो लालू जी को स्वीकार नहीं है। और यही इस बात को दिखाता है, इनके चरित्र को उजागर करता है। तो जब विनाश मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है, उनका विवेक खत्म हो गया है और वो अपने आप ये दिखा रहे हैं कि उनका चरित्र क्या है और वो मुसलमानों के कितने बड़े रहनुमा हैं। एक बैठक में मुस्लिम बच्चे को RJD के गुंडा एलिमेंट्स ने दौड़ा कर मारा है, वीडियो आप लोग के सामने है, जरा देख लीजिए आप लोग जाकर। क्या उस लड़के ने कहा था? उसने कोई बदतमीजी नहीं की थी, लक्ष्मीपुर गांव में उस लड़के ने सिर्फ इतना कहा था कि हम क्यों माफ करें इन्हें।
हम क्यों माफ करें भाई, लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। उसके लिए आप उसको दौड़ा कर मार रहे हैं और अपने आप को मुसलमान का रहनुमा बताते हैं।